मैं आपको झटपट स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी जिसमें हम बनाएंगे मलाई सैंडविच एंड प्रोटीनेक शेक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नीचे एक बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलें ताकि आप मेरी वीडियोस का सबसे पहले अपडेट देख सकें। अब मैं आपको बताऊंगी कि मलाई सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। एक कप हमें बारीक कटा हुआ ककम्बर चाहिए, खीरा। उसके बाद हमें हाफ कप चाहिए बारीक कटा हुआ टमाटर। उसके बाद एक चौथाई कटोरी हमें कैप्सिकम चाहिए, एक चौथाई कटोरी प्याज चाहिए, एक बड़ी कटोरी एक कप भरा हुआ मलाई चाहिए और मसालों में हमें चाहिए हाफ टी स्पून नमक और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर और हमें ब्रेड चाहिए जिसमें हम अपना स्प्रेडिंग लगाएंगे और हमारा मलाई सैंडविच तैयार करेंगे। ये हमारा मलाई सैंडविच तैयार है तो आइए देखते हैं ये बन गया या नहीं। लीजिए गर्मा गर्म मलाई सैंडविच तैयार है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करो अपने घर पे और जो आप बनाओगे उसकी पिक्चर्स मेरे चैनल पे शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसी बहुत मज़ेदार रेसिपीज अपडेट करती रहूँ। अब मैं आपको प्रोटीनिक शेक बनाना सिखाऊंगी। तो प्रोटीनिक शेक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कप दूध, उसके बाद एक चम्मच हमें प्रोटीनिक चाहिए छोटा चम्मच, एक चम्मच हमें चीनी चाहिए और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आइस क्यूब्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हो और आपको जितना ठंडा चाहिए आप उसके हिसाब से आइस क्यूब्स ले लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीनिक शेक बनाना। मैंने दूध डाला, अब मैं इसमें हाफ कप दूध, मैंने थोड़ा सा दूध बचा कर रखा है और थोड़ा दूध मैंने अपने शेकर में डाल दिया। इसमें अब मैं एक चम्मच प्रोटीनिक को ऐड करूंगी, एक चम्मच चीनी को ऐड करूंगी और इसको बीट कर दूंगी।
हम इसको चेक करेंगे कि हमारी चीनी पूरी तरह से बीट हो गई है या नहीं। जब हमारी चीनी अच्छी तरह से बीट हो जाए तो हम इसमें बचा हुआ दूध डाल देंगे और हमारे आइस क्यूब्स डालेंगे। इसके बाद हम इसको दोबारा बीट करेंगे। अब हम इसको थोड़ा हाई स्पीड पे बीट करेंगे ताकि हमारा शेक अच्छी तरह से बीट हो जाए और इसमें प्रोटीनेस ऐड हो जाए। लीजिए हमारा स्वादिष्ट प्रोटीनेक शेक तैयार। तो लीजिए दोस्तों, हमारी डिश तैयार है, प्रोटीनेक शेक और मलाई सैंडविच।